Assalamualaikum dear students, my name is Ashraf and I am here to teach you physics class 10. और आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी वेरिएबल्स को. बाइनरी वेरिएबल्स लॉजिक स्टेट और बुलियन अलजेब्रा का ओवरव्यू आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं और फर्दर आगे फिर आपने लॉजिक स्टेट्स को स्टडी करना है और बुलियन वेरिएबल्स को स्टडी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी वेरिएबल्स. बाइनरी वेरिएबल्स क्या होता है? ऐसे वेरिएबल जो कि जिसमें दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं. ऐसे वेरिएबल्स जिसमें तो दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं उसको आप क्या कहते हैं? बाइनरी वेरिएबल्स. और वो दो पॉसिबल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? ऑन या ऑफ. दो पॉसिबल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? ऑन या ऑफ. उसके अलावा इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, सच थिंग्स विच हैव ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स. ऐसा सर्किट जिसकी दो पॉसिबल स्टेट्स हैं कौन कौन सी? ऑन और ऑफ इज नोन एज बाइनरी वेरिएबल्स. ठीक है, अब बाइनरी वेरिएबल्स होते क्या है? बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं 0 एंड 1. बाइनरी वेरिएबल्स हैं 0 एंड 1. अब इस ऑन या ऑफ को आप रिप्रेजेंट करते हैं 0 या 1 से. कैसे? अगर आपका सर्किट ऑफ है यानी उसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो आप उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपका सर्किट ऑन है तो आप उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. आपने आजकल जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आ रही हैं उस पर जो बटन्स लगे होते हैं उस पर भी बाइनरी वेरिएबल्स लिखे होते हैं. मोस्टली उस पर ऑन या ऑफ ही लिखा होता. अगर इस तरह का बटन है एक तो उसमें एक साइड पर 0 होगा एक साइड पर 1 होगा. इसी तरीके से लिखे हुए आजकल आ रहे हैं. इसको एक एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं. हमारे पास एक सर्किट है. सर्किट में आपके पास लैंप लगा हुआ है. सर्किट में आपके पास लैंप लगा हुआ है. 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये आपका स्विच लगा हुआ है. अब यहाँ पे अगर इस सर्किट को देखें, यहाँ पे सर्किट में जो आपका स्विच है वो ओपन है. जब आपका स्विच ओपन होगा तो लैंप क्या होगा? ऑफ होगा. जब स्विच आपका ओपन है तो लैंप ऑफ है. लैंप ऑफ क्यों है? क्योंकि अगर बैटरी यहाँ से करंट पास होना शुरू हो रहा है तो आगे तक करंट जा ही नहीं रहा. करंट की सप्लाई बीच में रुक रही है. आपका स्विच ओपन है, करंट पूरे सर्किट में फ्लो ही नहीं कर रहा, तो आपका जो बल्ब है वो रोशन नहीं होगा. ठीक है, अब इसी का दूसरा केस होगा कि अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे. अगर आप स्विच को क्लोज कर देंगे तो जो भी चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज है, वो फ्लुएंटली पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. जब वो पूरे सर्किट के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो आपका स्विच, यहाँ पर देखें आपका स्विच क्या है? क्लोज है. स्विच क्लोज है तो लैंप ऑफ क्या होगा? ऑन होगा. अब इस 0 और 1 का आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ ऑन को? अगर ऑफ है तो ऑफ के लिए आप क्या लिखते हैं? 0. और ऑन के लिए आप क्या लिखते हैं? 1. ये आपके बाइनरी वेरिएबल्स हैं. आई होप कि आपको बाइनरी वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. आगे नेक्स्ट है आपके पास लॉजिकल स्टेट्स. लॉजिकल स्टेट्स क्या होती हैं? जो भी आप इस सर्किट को, जो भी आप इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं उसका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, चाहे वो इनपुट का आउटपुट से बना हुआ है चाहे वो आउटपुट का इनपुट से बना हुआ है, आउटपुट और इनपुट के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं? लॉजिक स्टेट. इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से होगी. द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्टेट. इनपुट और आउटपुट का जो कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, इनपुट और आउटपुट का पॉसिबल कॉम्बिनेशन को अब क्या कहते हैं? ये क्या है? लॉजिकल स्टेट्स. इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं? ये क्या है? लॉजिक स्टेट. द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्टेट इज कॉल्ड लॉजिकल स्टेट. ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. बाइनरी वेरिएबल्स, बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसा सर्किट जिसमें दो पॉसिबल स्टेट हो, ऑन या ऑफ. दो पॉसिबल स्टेट हो, ऑन या ऑफ, उसको आप क्या कहते हैं? बाइनरी वेरिएबल्स. वो दो पॉसिबल स्टेट है, ऑन या ऑफ. ऑफ को आप रिप्रेजेंट करते हैं 0 से और ऑन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से. उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट आर द बाइनरी वेरिएबल्स? तो देयर आर टू बाइनरी वेरिएबल्स, 0 एंड 1. उसके बाद आपने एक सर्किट से सॉल्व किया, सर्किट से बाइनरी वेरिएबल्स को समझा कि बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं. ऑफ ऑन, ऑफ ऑन का होगा स्विच किया था. उसके अलावा आपने पढ़ा क्या?
बूलियन अलजेब्रा, बूलियन आप क्या कहते हैं, ये क्या है, बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, आगे हम इसको फर्दर